सहरा की तपती धूप, रेत ही रेत, पानी की कमी, हरियाली बस नाम की और माई भागी का गाया हुआ ये लोकगीत। सुबह सिंध के जिला थरपारकर की यही तस्वीर मैं अपने जहन में लेकर यहाँ पहुंची थी। थर जो है मुख्तलिफ कास्ट में बड़ा हुआ है, बटा हुआ है। ट्रेंड बन गया कि शादी में वीडियो लाजमी हो, खाना कैसा भी है वीडियो लाजमी हो। यहाँ के लोग हमें अच्छा भी नहीं समझते हैं कि ये लड़कियाँ जाप करती हैं, पता नहीं कैसी हैं, शायद आवारा हैं। अभी तो ये ईंटें वगैरह निकाल के हमने ये झोपड़ा बनाया है और हम खुद ही अपनी मेहनत से ही ये बना के बच्चे पढ़ा रहे हैं। दुश्मन की कृपा से भली सजन की ताप, सूरज तपे गर्मी करे जब बरसन की आस। लेकिन यहाँ पहुंचकर एहसास हुआ कि थरपारकर की सदियों पुरानी सकाफत में नए जमाने की जिद्दत के रंग नुमाया दिखने लगे हैं। नवाज अली खोसा थरपारकर की तहसील नगर पारकर के रिहायशी हैं। उम्र है 84 साल और थरपारकर की बदलती हुई शक्ल के तमाम खदोखाल उनके सामने वाजे हैं। पहले तो सड़क ही नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, ऊंट पर सवारी करके हम लोग जाते थे, ऊंट से और घोड़े थे या पैदल थे, नवेकोट तक जाते थे। मैं खुद नवेकोट से नगर पारकर तक पैदल आया हुआ हूँ। यहाँ कोई सवारी नहीं थी, गाड़ी तो थी ही नहीं, ये पीछे गाड़ियाँ थोड़ी सी निकली, ये GMC लाए, फिर आस्ते आस्ते लकड़ी डाल के भम भम करके इधर आई। और लखो तक सहरा में पिछे सड़क के इस जाल ने इस इलाके की मौशी और माशर्ती तस्वीर ही बदल डाली। जैसे ही सड़क आई तो उसके साथ बिजली आई, तो उसके साथ इंटरनेट आया, बिल्कुल तब्दील हो गई लाइफ। अब रोजाना हर आदमी को कैश की जरूरत है, सड़क की वजह से सब्जियां और फ्रूट अवेलेबल हैं। तो कुछ कास्ट के लोग अपने गांव से शादी नहीं करते थे, सड़क बनने के बाद अब वो टेबू खत्म हो गया। जिला थरपारकर में साकरी के इलाके में ये झोंपड़ा एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें बच्चों की तादाद और पढ़ाई का जज्बा देखकर इस बात का गम नहीं कि शरह ख्वानदगी का तनासुब यहाँ कम है। यहाँ मौजूद वाहिद उस्ताद और स्कूल के बानी लक्ष्मण पाड़ू भी शायद मुस्तकबिल से इसलिए पुरुमीद हैं। हमारा तो 100% चांस है, तो ये आगे पढ़ेंगे, बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे और कोई सर्विस में होंगे, हमारा तो यही ख्वाब है और हमें उम्मीद भी है। इधर हमारे स्कूल से पढ़े हुए आगे पढ़े, अभी कोई मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, कोई 8th में पढ़ रहे हैं, जो मेन तो यही है। तो भाई ये आगे चलकर बच्चे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और सुट्टी खासी अच्छी पोस्टों पे चले जाएंगे। और फिर इन्हीं बच्चों में से आगे बढ़ी राहिला जैसी नौजवान खवातीन आज जमाने से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई हासिल की है, कुछ माँ बाप भी गरीब थे, पढ़ा भी नहीं सकते थे। मेरी मॉम्स थी, वो बचपन से लेकर आधे दिन तक बकरियां चराती थी, अभी भी चराती है, लेकिन ये कि उसका शौक था कि मैंने सारी जिंदगी अपनी इतनी मुश्किलों में गुजार दी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी औलाद भी ऐसी सारी जिंदगी रोकर गुजारे। नौकोट की राहिला अपने पूरे खानदान में वाहिद लड़की है जिसने तालीम हासिल की और अब नगर पारकर में गुजश्ता 2 साल से नौकरी कर रही है और घर से दूर अकेली रहती है। यहाँ पे आई तो बहुत अकेला भी रहना पड़ा और जब रात को यहाँ बंदा सोता है तो पहाड़ों से आवाजें आती हैं, 7 रंग की, जैसे कब्रिस्तान में नहीं आवाजें आती है डरानी, वैसी आवाजें आती हैं, बहुत डर भी लगता था, शुरू में रोती भी थी। राहिला नए जमाने के साथ साथ अपने और इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीलियां ला रही है, लेकिन इस इलाके में औरतें आज भी रिवायतों में जकड़ी हैं और घर संभालने, खेतों में काम करने और पानी लाने की मशक्कत इन्हीं का फर्ज है। पार्वती मेरे पूछने पर बताती हैं, ये चूड़ा मैंने शौक से नहीं पहन रखा, अगर नहीं पहनूंगी तो लोग कहेंगे मेरा शौहर मर गया है। ये चूड़ा नहीं था पहना तो आदमी आई को नहीं के चूड़ा पहना तो ऐसा ना शौक थे चूड़ा पहना है। थरपारकर में 40% हिंदू आबाद हैं जबकि 60% मुसलमान। हिंदुओं की मुख्तलिफ जातें यहाँ रहती हैं। एक तो ये है कि हिंदू हैं और मजदूरी करते हैं और उसमें कोमे हैं, एक मेघवाड़ है, एक भील है, एक कोली है। लेकिन मुसलमान फिरके भी यहाँ मौजूद हैं और मदरसे भी ज्यादा से ज्यादा कायम हो रहे हैं। नवाज अली खोसा ने मुझे कुछ ऐसे हकायक बताए जिनके बारे में यहाँ मुझसे कोई और बात करने को तैयार न था। एक सुन्नी जमायत, एक शिया जमायत, एक वहाबी जमायत, ये 2 किस्म 3 किस्म की जमायतें हैं, 3 ही मुसलमान हैं। बच्चे मौलवी कहाँ से बच्चे ढूंढ करके कुछ अपने बच्चे पालते हैं, जैसे कोई मरी बकरियां पाले, नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं,
और उसको इसी तरफ से कुछ तैयार करते हैं जैसे कोई अपने परेड करके सिपाही को तैयार किया जाए। खतरा महसूस करते हैं कि इससे होगा, क्योंकि लोग आते जाते इस लोगों के पास हैं, ये लोग क्या करते हैं, बच्चे जो हैं छोटे छोटे कोई 10 साल के, कोई 12 साल के, 15 सालों को खाना खिलाते हैं और उसको आपके साथ रखते हैं। उसको ये कहते हैं कि भाई हिंदू काफर है, अपने मुसलमान हैं, अपने लिए बिस्त है, अपने ये कुरान में लिखा पड़ा है और आप शहीद हो जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन इस लोगों को दूसरे पब्लिक से या लोगों से अलग रखने की कोशिश करते हैं। साढ़े 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये सहराए थर कदीम और जदीद तहजीब का हसीन इम्तिजाज बन चुका है। देखिए इस हुस्न की एक और झलक अगली किस्त में।